व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PRHD। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोया की तरफ से आने वाला एक शॉटगन माइक, जिसका मॉडल नंबर है BYMM1। और दोस्तों, इसे अनबॉक्स करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, आप वहां से उसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह के प्लास्टिक पैकिंग में अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड हुआ है। तो चलिए कट कर लेते हैं इस पैकेट को और देखते हैं कि कैसा है माइक। तो सिंपली हम इसे कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह के पैकिंग में ये अंदर के साइड में प्रोवाइड हुआ है। काफी अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है ये बबल रैप का अमेजोन की तरफ से। तो इस बबल रैप को रखते हैं साइड में और देखते हैं मेन माइक को। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेन बॉक्स इस माइक का। काफी अट्रैक्टिंग सा ये कार्डबोर्ड बॉक्स पैकिंग किया गया है बोया की तरफ से। ऊपर की साइड में बोया की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर मॉडल नंबर दिया गया है बोया BYMM1 यूनिवर्सल कार्डियो माइक्रोफोन की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में ये माइक कुछ इस तरह का देखने में लगता है। दोस्तों, कुछ फीचर्स की बात करें तो ये कंपेटेबल है स्मार्टफोन, टैबलेट्स, DSLR कैमरास, कंज्यूमर कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर के साथ। काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट इसका आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ में ये रग्ड मेटल कंस्ट्रक्शन, जो पूरा माइक है वो मेटल का बना हुआ है। इसमें आपको कोई भी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं होती। साथ में इसमें आपको डेड कार्ड इंक्लूडेड है इस पैक में। कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, MRP की बात करें तो MRP दिया गया है 2995, पर मैंने इसे Amazon से परचेज किया है सिर्फ 1344 रुपीज का। आपको इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। दोस्तों, यहां पर आपको email ID, साथ में वेबसाइट का डिटेल और काफी सारा यहां पर इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। साथ में यहां पर फैक्ट्री डिटेल भी दिया गया है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। साथ में इस साइड में आपको बारकोड देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर मेड इन चाइना की ब्रांडिंग की गई है। तो दोस्तों, चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि कैसा है ये माइक। तो दोस्तों, हम सिंपली कुछ इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले ये ट्रे। दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर के साइड में ये यूजर मैनुअल, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। काफी सारा इंफॉर्मेशन इस माइक से रिलेटेड दिया गया है। दोस्तों, आप कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से, कैसे अपने DSLR से, और क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप काफी सारे इन्फॉर्मेशन आप यूजर मैनुअल पढ़ के देख सकते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में और उसके बाद हमें मिलता है देखने को एक वारंटी कार्ड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वारंटी कार्ड है, तो इसे भी रखते हैं हम साइड में। सबसे पहले देखते हैं एक्सेसरीज हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये होल्डर दिया गया है, इससे आप अपने माइक को काफी अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और कोड, ये है DSLR के लिए। उसके बाद दिया गया है एक और कोड, ये स्मार्टफोन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है स्मार्टफोन, इसे भी रखते हैं हम साइड में। इसके बाद दिया गया है ये सिलिका जेल, दोस्तों इसे भी रखते हैं ये पैकेजिंग के लिए। साथ में मिलता है हमें एक पाउच इसे कैरी करने के लिए। इस साइड में हमें दिया गया है ये मेन माइक। दोस्तों, देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पर आपको डेड कैट देखने को मिल जाता है, जिसमें बोया की ब्रांडिंग की गई है। दोस्तों, इस माइक की क्वालिटी की बात करें तो ये प्योर मेटल से बना हुआ है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। साथ में ये माइक काफी हेवी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस माइक की खास बात ये है कि ये सिर्फ फ्रंट का ये वॉइस को कैप्चर करता है, साथ में साइड वॉइस को काफी कम कैप्चर करता है। तो दोस्तों, ये व्लॉगिंग के लिए काफी अच्छा एक माइक है। साथ में ये डेड कैट काफी अच्छे से इस वॉइस को कैंसिल करता है, बाहर के वॉइस को ये जल्दी कैप्चर नहीं करता है। साथ में इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, इसमें आपको बोया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये वाला जो कोड दिया गया है ये आपके DSLR के लिए है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। यहाँ पर आपको ये गोल्ड प्लेटेड आपको देखने को मिल जाएगा ये जैक, साथ में यहाँ पर आपको स्मार्टफोन वाला ये जैक देखने को मिल जाएगा दोनों साइड में। साथ में ये जो होल्डर है इसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी है। दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो अभी जो वॉइस आप सुन रहे हैं वो मेरे पुराने माइक बोया BYMM1 से सुन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्विच करते हैं अपने नए माइक बोया BYMM1 पे, उसके बाद आपको वॉइस की क्वालिटी सुनाते हैं इन 3, 2, 1।
तो दोस्तों अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं हमारे नए माइक बोया BYMM1 से। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैसी क्वालिटी इसमें आ रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये नया माइक आपको। और दोस्तों आउटडोर में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इस माइक के ऊपर बनाऊंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसी इसकी क्वालिटी आपको आउटडोर्स में मिलती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।